पाचारी किसान से मिलाएंगे। युवा किसान उम्मेद सिंह जी मिर्ची के फल तोड़े हैं, जिनकी लंबाई 12 से 15 इंच है और जी मजदूर लिए जी। और मैंने ये नई तकनीकी खेती की, मैंने कि मैं 60-70 हजार रुपए निकाल लेता हूँ। अच्छा, ज्यादा देसी खाद कोई लिया मैंने इसमें, ये देसी है बिल्कुल, कदड़ चमकादड़ उसका खाद है। अच्छा, स्प्रे के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, ये मेरी मिर्ची का तो वहाँ पे इंतजार होता है। अच्छा, 4-5 रुपए मेरे को ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, अच्छा। तो देखभाल भी कर लोगे टाइम पे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान साथियों, अगर बात करें खेती में बेहतर उत्पादन की, मुनाफे की, तो अगर आप में जज्बा है कुछ अच्छा करने का, नया करने का, तो निश्चित तौर पर खेती आपके लिए न केवल एक फायदे का सौदा हो सकती है, बल्कि आप खेती के पीछे एक ब्रांड बन सकते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चतरपुरा में, जहां पर युवा किसान उम्मेद सिंह जी खेती में एक ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं, जिन्होंने रासायनिक खादों के न्यूनतम उपयोग से मिर्ची की ऐसी पैदावार ली है जो वास्तव में काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं उम्मेद सिंह जी के खेत से जो मैंने मिर्ची तोड़ी है वो लगभग 12 से 15 इंच लंबी है, और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है वो देखने लायक है। उम्मेद सिंह जी का जो खेत है उसमें आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का शानदार प्रोडक्शन आ रहा है। मंडी में उम्मेद सिंह जी इन मिर्चियों को जब बेचने के लिए लेके जाते हैं तो अन्य किसानों की मिर्चियों की तुलना में उम्मेद सिंह जी को 4 से 5 रुपए किलो अधिक भाव मिल रहा है, और फसल को बेचने के लिए इनको इंतजार की जरूरत नहीं होती, बल्कि खरीदार इनका इंतजार करते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे उम्मेद सिंह जी से और जानेंगे मिर्ची के इस बेहतरीन प्रोडक्शन के बारे में कि किस विधि से इन्होंने इतनी बेहतरीन मिर्ची का उत्पादन किया है, जो कि अन्य किसानों के लिए भी एक मिसाल है। आप देख सकते हैं अभी उम्मेद सिंह जी ने खेत में 3 से 4 बार मिर्ची की तुड़ाई कर ली है, उसके बावजूद भी जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाला आ रहा है। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा, और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेतरी तकनीक, जहां हम रोज आपको मिलाते हैं ऐसे नवाचारी किसानों से जो खेती और किसानी को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथ ही साथ बताते हैं आपको राज्य एवं केंद्र सरकारों के द्वारा किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं आपको, कृषि की उन तकनीकों के बारे में जो आपकी खेती को आगे लेकर जाती है। मिर्च के बेहतरीन उत्पादन की A to Z जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको खेती किसानी से संबंधित सभी प्रकार की बेहतरीन और नवाचारी जानकारियां घर बैठे मिलती रहे। तो आइए मिलाते हैं आपको मिर्ची का बेहतरीन उत्पादन कर रहे किसान भाई उम्मेद सिंह जी से, और जानते हैं कि उन्होंने मिर्ची के इतने बम्पर उत्पादन एवं क्वालिटी वाले उत्पादन के लिए क्या तैयारियां की है, कौन से बीज को काम में ले रहे हैं। राम राम जी उम्मेद जी। राम राम जी। राम राम जी उम्मेद सिंह जी, आपके मिर्ची का खेत देखा मैंने, और वास्तव में जो आपकी मिर्ची के जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो बहुत ही शानदार है। और आपकी मिर्ची की जो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जहां तक देखी जाए बहुत ही बेहतरीन है, और मिर्ची की जो साइज आपकी देख रहे हैं हम वो भी बहुत ही अल्टीमेट है। जैसा कि किसान भाई देख सकते हैं इस मिर्ची के पेड़ पे कितनी मिर्चियां लगी हुई है, अभी पूरे खेत में तुड़ाई नहीं हुई है तो कुछ मिर्चियां लाल भी हो गई है, पर आप देख सकते हैं ये मिर्ची का जो खेत है उससे मैंने ये कुछ मिर्ची के फल तोड़े हैं, जिनकी लंबाई 12 से 15 इंच है, और जो इसका छिलका है, जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी शाइनिंग है, वो एक नंबर और काबिले तारीफ है। तो हम जान लेते हैं उम्मेद सिंह जी से कि उन्होंने किस प्रकार से मिर्ची के इस खेत को तैयार किया है, क्या क्या पूर्व तैयारियां की हैं। उम्मेद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। मैं तो ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम धंधे के बारे में नहीं सोचा आपने कि भाई आजकल युवाओं का ये रहता है कि भाई अपने किसी अच्छी मल्टीप्लेक्स कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें? गवर्नमेंट तो मिली नहीं, प्राइवेट के लिए गया था 1-2 कंपनी के अंदर। अच्छा, तो उनमें मेरे को बैठा नहीं, किया 2-3 महीने काम, फिर मैं वापस उसको छोड़ के आ गया। अच्छा अच्छा। फिर मैं सोचा खेती करते थे पिताजी, पहले सादा खेती करते थे, गेहूं जो चना कर लेते थे जी। फिर मैंने कुछ आदमी लिए साथ में,
मजदूर लिए और मैंने ये नई तकनीकी खेती की जी, सब्जी की, सब्जी करने की सोची कि अच्छा मुनाफा कैसे आए कैसे नहीं आए। जी जी, जब मैंने ये मिर्ची लगाई, मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ ये चीज। जी जी, तो पिताजी ने मना नहीं किया आपको कभी खेती में क्या है? किया किया, मना भी किया था कि कुछ नहीं है खेती में, क्या पता कभी भाव मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। जी जी जी, तो मैंने सोचा कि अब चलो कोई नहीं है, करते अपन तो मेल देने वाला वो है। क्या इनकम हो जाती है आपकी महीने के हिसाब से? आप नौकरी करने के लिए गए थे, नौकरी आप छोड़ के आए हैं, तो लगभग क्या इनकम आप है महीने की इसे खेती से निकाल लेते हैं? खेती से महीने की मैं 60-70 हज़ार रुपए निकाल लेता हूँ। अच्छा, 60-70 हज़ार रुपए आप खेती से निकाल लेते हैं, मजदूरी वगैरह, मजदूरी का खर्चा वर्चा सब निकाल गए। फिर जी हमारे किसान भाइयों को भी बताएं कि आपने कब तो इसकी नर्सरी तैयार की और किस विधि से आपने खेत तैयार किया कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही क्वालिटी वाला और शानदार आ रहा है। मैंने ये इसकी नर्सरी दिसंबर में स्टार्टिंग में लगाई थी। जी जी, और फिर बाद में मैंने इसके अंदर, ये मेरा खेत है 2 बीघा से थोड़ा कम, या 2 बीघा समझो इसको। हाँ, 2 बीघा के आसपास है आपका खेत। फिर मैंने इसके अंदर 12 ट्रोली डाली खाद की, गोबर खाद, सड़ा हुआ खाद डाला, ठीक है। फिर मैंने इसको अत्ता हेरा पिलाऊ काट के इसको जमीन को तैयार किया। जी जी, फिर बाद में इसको वापिस पटवास लगा के पाटा फेर के फिर मैंने एक डाली ऊन की ट्रोली। अच्छा, ऊन की ट्रोली खाद, जो ऊन वाली खाद आती है आपने वो डाल दी। फिर बाद में मैंने इसको वापस एक बार हल वाल निकाल के वापस पाटा फेर के फिर मैंने डाला एक बैग तो डीएपी का। अच्छा, एक बैग डाल दिया पोटास का। जी, और 5 किलो फोराडोन डाली है मैंने। फोराडोन डालने का कोई विशेष कारण? उससे क्या है, उससे जड़ गांठ नहीं आती। अच्छा अच्छा, ये डीएपी से ये है ना, इनसे स्टार्टिंग में ग्रोथ अच्छा कर लेता पेड़। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर पेड़ अच्छी ग्रोथ कर लेगा तो फलन और पुष्पन का काम है वो बेहतरीन क्वालिटी वाला होगा। हाँ जी, ठीक है। फिर मैंने पटवास देके फिर इसके अंदर बेड डाल दिए। बेड डाल दिए, ठीक है। फिर बेड डालने के बाद में अपन लगाते हैं वो नलकी भी चाहिए इसके अंदर। हाँ, ड्रिप की पाइप डाल दी। ड्रिप की पाइप डाल दी। फिर बाद में मैंने ये लगाई मल्चिंग। तो मल्च से, जैसे कई किसान भाइयों के खेतों में मैंने देखा है बिना मल्च के भी मिर्च लगा रखी है, तो इस मल्च का कोई विशेष फायदा मिला आपको? इसका विशेष फायदा है कि इससे पेड़ भी अच्छा ग्रोथ करता है, पेड़ पे इतना रोग नहीं आता, एक वो कचरा नियुक्त तक। अच्छा, खरपतवार नहीं आती। खरपतवार नहीं आती है, ठीक है। नमी रहती है थोड़ी। अच्छा, नमी रहती है, पानी सिंचाई करने की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, पेड़ की ग्रोथ के लिए आपने कोई अलग से कोई खाद वगैरह डाली है, केमिकल डाले हैं, या कोई देसी खाद ही, देसी जुगाड़ी आप दे? मैंने तो देसी जुगाड़ी ज्यादा किया है। क्या 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 डाला है आपने बताएंगे? मैंने एक ड्रम रखा है उधर कोने में। किसान भाइयों को दिखाएंगे आप? वो दिखा दो आप, आइए बताइए किसान भाइयों को भाई इसकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, इसके लिए आपने किस देसी नुस्खे को काम में लिया है कि बेहतरीन और उत्तम क्वालिटी का उत्पादन आप ले रहे हैं? उम्मीद जी ने यहाँ पे कुछ ड्रम रख रखे हैं और ड्रम में आप देखेंगे तो इसमें काला काला सा पानी है और ये कुछ सड़ने जैसी इसमें बदबू भी आ रही है। तो उमेश जी, ये जो आपने काढ़ा बना रखा है, ये जो काला काला सा इसमें पानी पड़ा है, क्या चीज है ये किसान भाइयों को बताएंगे? इसमें ये देसी है, बिल्कुल देसी खाद है। क्या क्या डाल रखा आपने इसमें? मैंने पहले डाल दिया आंकड़ा हो गया। अच्छा, अपना देसी जो आंकड़ा होता है वो आंकड़ा हो गया, धतूरा हो गया जी, और नीम के पत्ते हो गए। नीम के पत्ते हो गए। फिर मैं थोड़ी सीख ली वापिस ऊन, ऊन एक बोरी भर ली ऊन। अच्छा, इस बोरी में क्या है? वो ऊन है। ऊन है, बोरी ऊन है, और एक आते है चमचेड़। अच्छा, चमगादड़। चमगादड़ जी, उसका खाद है। इस बोरी में ऊन और चमगादड़ का खाद डाल रखा आपने, और उसमें डाल के इसको बंद 15 दिन तक इसको नहीं छेड़ता मैं। अच्छा, 15 दिन तक आपने इसको सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया। फिर हर एक पानी फीका, एक पानी इसका, ये ड्रम पड़ा, इस ड्रम से सड़ाता हूँ मैं। अच्छा, उमेद जी ने देसी नुस्खा अपनाया है, इसमें अपने देसी जो आंख होती है, आंकड़ा जिसे अपन बोलते हैं, नीम के पत्ते हैं, ऊन की खाद है, और जो अपनी चमगादड़ की खाद है वो इसमें डाली है, और इसको लगभग 15 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ा है। और उमेद जी कह रहे हैं कि एक ड्रम के हिसाब से मैं एक सिंचाई बिना खाद के करता हूँ और एक सिंचाई में ये जो काढ़ा बना रखा है वो देता हूँ। इसके अलावा और कोई खाद वगैरह आप इसमें दे रहे हैं? और कुछ कोई बाय चांस कोई डीएपी डाल देता हूँ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा बहुत डीएपी डाल देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो। तो किसान भाइयों, देखा आपने, किसान भाई ने शुरुआत में केवल कुछ केमिकल्स डाले थे, उसके बाद में देसी नुस्खे से मिर्ची का
जो बेहतरीन उत्पादन ले रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उमेश जी, आपने इसको सिंचाई में दिया है, मिर्च में और किसी प्रकार का कोई कीटनाशक वगैरह आपने डाला है? मैंने ये तो है जमीन का, इसमें जमीन में बुहाने के लिए। अच्छा, जमीन में बुहाने के लिए आपने ये तैयार कर रखा है? एक ड्रम है, मैंने ये स्प्रे के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, ये वाला जो ड्रम है, ये देखिए आप, इसमें भी काला काला पानी किसान भाई देख सकते हैं। आप दिखाइए एक बार, ये देखिए, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल जैसे पीला पीला सा पानी है। उमेश जी, बताएंगे इसमें क्या चीज डाल रखी है और किस काम में ले रहे हैं इसको? मैं ये स्प्रे के अंदर लेता हूँ काम। अच्छा, इस पानी का आप है, जो काला काला सा पानी है, इसका आप स्प्रे करते हैं? स्प्रे करता हूँ। क्या चीज डाल रखी है इसमें? इसमें कोई देसी इलाज है। क्या देसी कर रखा है? हो गया आंकड़ा, हो गया, अच्छा, नीम के पत्ते हो गए, जी जी, गोमूत्र हो गया, अच्छा, और थोड़ा वो नीम के पत्ते, जी जी, और फिर हो जाते अपने ये बबूल की आती है, कोई जड़ आती है। अच्छा, बबूल की छाल, जो जड़ की छाल आती है, ठीक है, झाल वो उसको सुखा के उसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ये ड्रम में 2 किलो उसमें डाला जी, 2-3 किलो गुड़ डाल दिया। अच्छा, 2-3 किलो गुड़ डाल दिया, ठीक है। फिर इसको वही 15-20 दिन के लिए उसको नहीं छेड़ता। अच्छा, इसको अच्छे से सड़ने देते हैं, ठीक है। अपना पीट वाली टंकी से 1 लीटर निकालता हूँ। अच्छा, 1 लीटर निकालते हैं वो 15 लीटर की जो पानी की टंकी होती है उसमें 1 लीटर इस ड्रम में से डालते हैं। तो इसके अलावा और कोई केमिकल का आपने मिर्च पे स्प्रे किया है? ना, कोई कीटनाशक वगैरह के लिए? कीटनाशक के लिए कोई नहीं है, ये बस देसी इलाज है। देसी इलाज है। कितने दिन में आप है ये जो स्प्रे है रिपीट करते हैं? ये 10-12 दिन में मेरे को करना पड़ता है रिपीट। 10 से 12 दिन में आप रिपीट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने देखा है आपकी मिर्ची में किसी भी प्रकार का कोई फल से कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है। वास्तव में किसान भाई उमेद जी का जो देसी तरीके से मिर्ची उत्पादन का तरीका है वो बहुत ही शानदार है और उत्तम क्वालिटी वाला है। तो उमेश जी, किसान भाइयों को आपने मिर्ची के उत्पादन का देसी और शानदार तरीका बताया है। उमेश जी, एक चीज बताइए, आपने ये 2 से 2.5 बीघा जमीन में मिर्च की खेती कर रखी है, लगभग कितनी बार तुड़ाई कर ली होगी इसकी? मैंने 3-4 बार इसकी तुड़ाई कर ली। 3-4 बार तुड़ाई कर ली? 3-4 बार तुड़ाई कर ली। अच्छा, एक तुड़ाई में लगभग कितने का प्रोडक्शन बैठ गया होगा आपके? मेरे एक प्रोड्यूसर में जैसे भाव मिलता है, जो कि पहला था 40-50 रुपए किलो बेची थी जी, जब तो मैंने एक बार में 2-3 लाख रुपए की बेच दी थी। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा भाव कम चल दो हमें कम मिला भाव। अच्छा, 2 तोड़ जो पिछले थे उसमें भाव डाउन आ गए, भाव डाउन आ गए जी, फिर भी 1 लाख रुपए तो पकड़ ही ली थी। उमेश जी ने भाव के उतार चढ़ाव के बावजूद भी 3 से 4 बार की तुड़ाई में लगभग 2 से 2.5 बीघा मिर्ची के खेत में 4 से 5 लाख रुपए की मिर्ची बेच दी है। और आप देख सकते हैं अभी भी मिर्ची के खेत में जो प्रोडक्शन लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा और क्वालिटी वाला है। तो निश्चित तौर पर अभी उमेद जी लंबी पारी खेलेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। तो आप कहाँ पर बेचते हैं ये मिर्ची का सेल, कहाँ करते हैं? हमारे पास में पड़ती है मुहाना मंडी। अच्छा, मुहाना मंडी बेचते हैं। तो मेरी मिर्ची का तो वहाँ पे इंतजार होता है। अच्छा अच्छा, ये कब आएगी मिर्ची और कब लोग लेने वाले भी पहले बोलते थे, जिसमें जिस आड़ की दुकान पे डालता हूँ ना, वो दुकान वाला मेरे को फोन करता है कि कब तक पहुंच जाओगे, लेने वाले इंतजार करते हैं मेरी मिर्ची का। अच्छा, मिर्ची अच्छा। का। नहीं, देख रहे हैं आपकी मिर्ची का क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो जो मिर्ची के भाव है अन्य किसानों की जो मिर्ची आती है उसके बराबर मिलते हैं या कुछ आपको भाव में भी कुछ इजाफा रहता है? 4-5 रुपए मेरे को ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, 4-5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको ज्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन से किस्म की मिर्ची है जो आपने खेत में लगा रखी है? ये स्वाति सीड की है, 911 यशोधरा। अच्छा, स्वाति सीड्स की यशोधरा 911 क्वालिटी की ये मिर्ची है, जिसका प्रोडक्शन, जिसकी क्वालिटी, जिसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं। तो किसान भाई भविष्य में अगर मिर्ची लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी के बीज का चुनाव करने का एक विकल्प स्वाति सीड्स की यशोधरा 911 भी हो सकती है। उमेश सिंह जी, आज की युवा पीढ़ी नौकरियों के पीछे भाग रही है, जबकि आपने नौकरी छोड़कर एक बढ़िया नवाचारी तरीके से खेती को अपनाया है और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आज की किसान परिवारों की युवा पीढ़ी जो नौकरियों के पीछे भाग रही है, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपके पास अच्छे पानी है, अच्छी जमीन है और आप करना चाहते हो तो ये बिल्कुल खेती कर सकते हो आप। आजकल नया नया तरीका है और ज्यादा वो अपन वो नहीं तक खर्चा भी नहीं आएगा, अगर करने अपने टाइम पे देखभाल करेंगे और देसी जुगाड़ के अंदर अच्छा मुनाफा मिलेगा अपने को जी। तो देखा किसान भाइयों, उमेश जी ने नौकरी के पीछे न भगने की बजाय अपने पुश्तैनी धंधे खेती को अपनाया, उसमें नवाचारों का तड़का डाला और
इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। और उमेश जी का कहना है कि किसान परिवारों से जुड़े हुए युवा जो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, अगर इस खेती में ही नवाचारी तरीके डाले, नवाचारी तरीकों से इस खेती को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर नौकरी से कई गुना बेहतर इस खेती के उत्पादन से वो मुनाफा कमा सकते हैं, आमदनी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेतीबाड़ी एवं इससे जुड़ी हुई विभिन्न तकनीकों की जानकारी एवं नवाचारी किसानों से मुलाकात के साथ, जो देगी आपको खेती से जुड़े रहने की, खेती में कुछ अच्छा करने की, खेती से एक बेहतरीन जीवन स्तर बनाए रखने की सकारात्मक ऊर्जा। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम साहब।